एक न्यू जीमेल आईडी बनाने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है और आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल है तो आप आराम से न्यू जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे आप एक न्यू जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल के यहाँ से जीमेल आईडी को ओपन कर लेंगे। तो चलिए जीमेल आईडी को यहाँ से ओपन कर देते हैं। आप चाहे तो गूगल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक और इजी तरीके से बताऊंगा जिससे आप आराम से जीमेल आईडी को क्रिएट कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जीमेल आईडी को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पर यहाँ से क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड अनदर अकाउंट का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड अनदर वाले अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, अलग अलग वेबसाइट दिखेगा, तो आप यहाँ से गूगल वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल का जो भी लॉक फिंगरप्रिंट जो भी होगा आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कर देंगे और इसके बाद आपका कुछ चेकिंग आएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इंटर फोन और फॉरगेट ईमेल है, आपको इस दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, तो आपको इस क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, फॉर माई सेल्फ और दूसरा है टू मैनेज माई बिजनेस, तो आपको फॉर माई सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पे डाल देना है और जो आपका यहाँ पे सेकंड नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपका एक ही नाम है तो आप केवल यहीं पे डालेंगे और दूसरा अगर आपका सेकंड नाम है नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली ऑप्शनल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मंथ डे और ईयर का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन दिख रहा है। इस तरह से आपका फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे मंथ है डेट ऑफ बर्थ का वो मंथ यहाँ पे आप डाल के यहाँ से सबमिट कर देंगे और यहाँ पे जो भी आपका डे है और जो ईयर है आप वो यहाँ पे सबमिट करके और यहाँ पे जेंडर पे आप क्लिक करके मेल फीमेल जो भी हैं आप वो यहाँ पे डाल के इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो जीमेल अकाउंट ऑलरेडी दिखेगा। इसमें से अगर आप कोई भी जीमेल आईडी को रखना चाहते हैं, ये आपका जीमेल बनने के बाद इस तरह का कुछ जीमेल आईडी रहेगा, तो इस दोनों में से अगर आप कोई चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने मन से कोई भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ तीसरा वाला जो ऑप्शन है क्रिएट योर ऑन जीमेल अकाउंट एड्रेस, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके आप अपने मन के हिसाब से जैसा चाहे आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा लिखा है रीजनिंग सेंटर 54@gmail.com, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। आपको पासवर्ड के तौर पर आपको फ्रेंड्स कुछ कैपिटल लेटर दे देना है, कुछ स्मॉल लेटर दे देना है और साथ में कुछ डिजिट दे देना है, कुछ अल्फ़ाबेट लेटर दे देना है, इस तरह से कुछ मिक्स करके रखना है ताकि आपका पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है क्रिएट ए स्ट्रांग पासवर्ड विथ ए मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिम्बॉल्स, तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड डाल के इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ नीचे वाले ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स पासवर्ड को डाल दिया, इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यस आई एम इन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जीमेल आईडी जो है यहाँ पे दिख गया है, रीजनिंग सेंटर के नाम से जीमेल आईडी है और जो आपका जीमेल आईडी है ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अगर आपको मतलब एग्री हो चुके हैं रेडी हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आई एग्री वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो जीमेल आईडी है बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जीमेल आईडी, यहाँ से
इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन जो है ये दिखा दिया है रीजनिंग सेंटर और ये जीमेल आईडी बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल ईजिली से समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।